अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होगे, अपने साथ खुश होगे, अपने अपनों के साथ खुश होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन की एक रेसिपी, जिसका नाम आगे आपको बताते हैं। ये कैसे बनती है, क्या होता है, ये आप पहले देख लीजिए। ये हमने लिया है 1 किलो चिकन, अच्छी तरह धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, हमने इसमें अदरक लहसुन का शामिल करना है। इसमें हमने शामिल किया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसी के साथ साथ हमने देखिए दही शामिल किया है, एकदम थिक दही है, 2 चम्मच हमने इसमें दही भी शामिल किया है। उसी के साथ साथ हमें शामिल करना है 2 चाय के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप अपने हिसाब से रखिएगा तीखा, जितना आपको लगे। हमने इस वक्त 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया है। और उसी के साथ साथ हमें इसमें शामिल करना है फूड कलर, तंदूरी कलर जो होता है वो शामिल कर दीजिएगा। ये देखिए, अपने हिसाब से कलर डालिएगा, आपके पास जो कलर है जितना यूज़ होता है उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर देना। अब हमें इसमें शामिल करना है घर का गरम मसाला पीसा हुआ 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हमें शामिल करना है एवरेस्ट का चिकन तंदूरी मसाला, ठीक है। 1 चम्मच भर के हमने ये एवरेस्ट का चिकन मसाला ले लिया। अब हमें उसमें शामिल करना है कोथमीर को बारीक बारीक कट करके। ये देखिए, हमने कोथमीर कटी भी इसमें शामिल कर दिए है। अब इसके अंदर हमें शामिल करना है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करिएगा। हम अपने हिसाब से 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए, हमें इसे हाथों से अच्छी तरीके से सब मसालों को मिक्स करना है। स्पून से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है जितना हाथों से होता है। अच्छी तरीके से इसे हमने मिक्स कर देना है। और मैरिनेट के लिए हमें कितनी देर रखेंगे अपन? 1 घंटा 1/2 घंटा, जैसे चाहे आपको। अगर जितना मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सुना आपने, जितना मैरिनेशन के लिए हमें इसे रखना है रख सकते हैं। और जितना ये मैरिनेट होगा उतना इसका टेस्ट और जायका, मसालों की खुशबू सब उभर कर आएगी, ठीक है। देख रहे आप कैसे मिक्स हो रहा है? इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, कितने अच्छे से हमने मिक्स करके रख दिया है। अभी इसे 1/2 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें देने जा रहे हैं कोयले की धुनी। मैरिनेट करने ये मिक्स कर दिया मसाला, मैरिनेशन के लिए रखना है। तो उसी वक्त हमें क्या करना है, छोटा सा कोयला अच्छा रेड करके उस देखिए उसके ऊपर हमें घी डालकर इसे ढककर रख देना है। ये देखिए, है ना, स्मोकी फ्लेवर देना है। इसे हमें बंद कर देना है 10 मिनट के लिए। इसे हमें ऐसे ही बंद करके ढककर रख देना है ताकि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर अंदर तक अच्छे से चले जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए, मीडियम साइज की 4 प्याज लिए, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हमें हल्के से तेल में सौटे कर देना है। और इस प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी, और इसे निकाल लेना है। ये देखिए, प्याज हमारी थोड़ा सी गोल्डन फ्राई हो जाएगी। तो उसके बाद हमें इन टमाटर को रफली चॉप करके टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, अभी हमने कढ़ाई रखी है, उसमें तेल 2 चम्मच बड़े तेल इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये खड़े गरम मसाले, जिसमें 4 इलायची, 4-5 लौंग, 1/2 चम्मच जीरा, 1 फूल, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी, ठीक है। तेल गरम हो गया है, इसमें हमने इसे शामिल कर दिया। ठीक है, साथ साथ हमने इसमें शामिल करना है 1 बारीक कटी हुई प्याज, ठीक है। हमने क्योंकि इसमें और ऑलरेडी प्याज सौटे किया था, जिसे हमने टमाटर के साथ पीस के प्योरी बनाई थी। ये देखिए हमारी टमाटर और प्याज की प्योरी, ठीक है। ये देखिए, तो एक छोटा सी टमाटर हमने बारीक काट लिया, 5-6 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी कोथमीर और ये है नींबू, ठीक है।
ये देखिए हमारी प्याज लाल हो गई है। अभी इसमें हमें शामिल करना है मिर्ची पाउडर। हमने एक टेबल स्पून मिर्ची पाउडर लिया है, पहले मैरिनेशन में भी हमने ऐड किया था, अभी ऐड किया है। हल्का सी इसमें हमें एक चम्मच पानी डाल देना है ताकि हमारी मिर्ची जले नहीं। और उसी के साथ साथ हमें शामिल करना है बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी कोथमीर, कोथमीर डालेंगे। इसका कलर देख रहे हैं आप कितना अच्छा है माशाल्लाह। ये हमने चार पांच हरी मिर्च जो आपको दिखाई थी वो डाल दिए, थोड़ी सी कोथमीर है, कोथमीर डाल दिए। प्याज और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए, उसमें हमने प्याज और टमाटर जो पीसा हुआ था वो शामिल कर दिए, है ना। कितना अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। ये तरीके से आप बनाइएगा तो आपका चिकन बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। हमारे मसाले जब तक भून रहे हैं, हम ये क्या करते हैं, ये कोयले की जो धुनी दिए थे इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें शामिल करना है हमारा चिकन, ठीक है। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तेल सेपरेट हो गया। अब इसे हमें इसमें हमें शामिल करना है चिकन। ये देखिए, है ना, इसी तरीके से मैरिनेट किया हुआ चिकन अब हम मसाले में डालेंगे। और मैंने अभी तक आपको नाम नहीं बताया था कि हम क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का मसाला। आप इस तरीके से टिक्का मसाला चिकन का बनाइएगा, तंदूरी टाइप, स्मोकी फ्लेवर में एक नंबर बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा कि इतना प्यारा बनेगा कि आप जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ होगी, वो पुल जरूर बांधेगा। ये देखिए, आपने देखा ना किस तरीके से सेपरेटली ये सब पूरा मसाले पे भीज गया है। अभी इसे हमें थोड़ी 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर रख देंगे। और मसाला है इसे अब नहीं शामिल करना है इसमें, थोड़ा सी लास्ट में जब चिकन में एकदम अच्छी तरीके से थोड़ा सी पक जाए तो ये मसाला उसमें डाल के हमें थोड़ी ग्रेवी टाइप कर देंगे, ओके। ये देखिए, हमने पहले भी नमक थोड़ा इसमें डाले थे, अब अभी इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा सी और नमक शामिल कर दीजिए। ये देखिए, अभी थोड़ा सी हमने एक बार इसको हिलाया है, अब इसमें हमें शामिल करना है 1 नींबू का रस। माशाल्लाह से देख रहे हैं आप कितना प्यारा बनाए। अभी इसे हिलाकर दम पे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। हमने थोड़ी सी हथेली पे कस्तूरी मेथी लिया है, उसे हमें क्रश करके इसमें डाल देना है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसकी स्मेल, इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर थोड़ा सी रिच फ्लेवर आएगा। हमारा चिकन 5 मिनट हो गया पकते हुए, अब इसमें 2 स्पून हमें दूध शामिल करना है। इससे क्या होगा, चिकन का जो टेस्ट है वो एकदम सॉफ्ट और क्रीमी टाइप का आएगा। ये जो प्याले में मसाला था उसमें थोड़ा सी पानी डाल के हमने इसमें वो पानी भी 1/2 कप होगा वो शामिल कर दिए, ठीक है। ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार सा तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो रहा है। बस इसे थोड़ी देर और गैस पे रखना है ताकि ये चिकन पानी सब अच्छे से पक जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच में दम पे दे देते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ। हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है, 10 मिनट हमने इसे दम पे रखा था और माशाल्लाह से चिकन एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तेल सेपरेट हो गया, मसाले भून चुके। अब हम इसे आपको सर्व करके बताते हैं। देखो, ये देखिए हमारा चिकन, क्या नाम था भूल गई, रुको। ये नाजिन, हमारा चिकन तंदूरी टिक्का मसाला बनकर तैयार है, आपके सामने है, डिश आउट हो रहा है। ये देखिए नाजरीन, हमारा तंदूरी चिकन टिक्का मसाला बनकर रेडी है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इस तरीके से आप बनाएं, खाएं, खिलाएं, इंजॉय कीजिए। और ये हमने उसी के साथ साथ देखिए लच्छेदार पराठे भी रखे हैं, और इस पराठों की रेसिपी आपको फार्मर्स व्लॉग में मिल जाएगी, आप ज़रूर जाके रेसिपी ट्राई करिएगा और इस चिकन की भी रेसिपी ट्राई करिएगा। और पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नसीम व्लॉग्स, ठीक है। अपने साथ खुश रहिए, अपने अपनों के साथ खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और रेसिपी को इंजॉय कीजिए।
ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।